नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 होने वाली परीक्षा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, इतिहास के 12 कर चुके हैं, सिविक्स के 10 कर चुके हैं। ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट होगा भूगोल का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। ये आपके DSSB TGT PGT के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रभाव भारत जलवायु पर नहीं पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर की लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कथनों पर विचार कीजिए, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बिल्लो वृक्ष सूख रहे हैं। इन वृक्षों की अधिक उम्र होने के कारण एफिड कीटों के प्रति इनकी प्रतिरोध क्षमता घट गई है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक सही व्याख्या करता है। नागार्जुन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आप सभी जानते हैं इस बात को। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। उपाद्र प्रदेशों में वार्षिक वर्षा की श्रेणी है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 से 150 सेंटीमीटर। भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप संचित में किस सेल में अवस्थित हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय अवसादित क्षेत्र। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? जी आपका हो जाएगा मध्य हिमालय में। भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और उद्गामी दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। निम्नलिखित में से सुमेल के कूट में सही उत्तर चुनिए। आपके पास नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जलविद्युत परियोजना में से कौन एक सुमेलित है? तो सही आंसर हो जाएगा पल्लीवासल केरल। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है? ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक एक अनुवर्ती सरिता है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सूरत नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। निम्नलिखित युगों में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवादी पाणिया महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ये जो माही नदी है ये उसकी सहायक नदी नहीं है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां निम्न में से किसका उदाहरण है? ये आंसर हो जाएगा आपका अनुवर्ती अपवाह। भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषित भूमि का लवणीय भूमि बदलने में का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक सिंचाई। नाथुला दर्रा अवस्थित है, सभी जानते हैं इस बात को। तो ये जो स्थित है ये आपका है सिक्किम में।
उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय श्रेणियों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक, लघु हिमालय और विशाल हिमालय। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चिनाब नदी। लेकिन ये किसकी पूछी है, इसने नहीं दिया है। तो हिमालय चिनाब नदी जो हिमालय में सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप किसे प्रदर्शित करता है? आप देख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप। यानी कि पादपाकार अपवाह प्रतिरूप के द्रुमाकृति या वृक्षाकार प्रतिरूप भी की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सरताओं का विकास प्रमुख रूप से सपाट या चौरस विस्तृत भागों में होता है। ग्रेनाइट सेल वाले भाग में इनका विस्तार सर्वाधिक होता है, जैसे कि गंगा, गोदावरी और कृष्णा। करेवा वैली जो है वो कश्मीर में स्थित है। निम्न में से किसे यूरोपोर्ट कहते हैं? यूरोपोर्ट जो कहा जाता है वो कहा जाता है राटरडम को कहा जाता है, क्योंकि यूरोपोर्ट राटरडम के पोर्ट का एक ऐसा क्षेत्र है यह नीदरलैंड में स्थित है। राटरडम श्रेणी नीदरलैंड में राइन म्यूसेल्ट नदियों में डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट है डॉनबास नामक कोयला ब्रेसिन प्रदेश में स्थित है। यह आपका काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में स्थित है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं? इनको मायोरिस के नाम से जाना जाता है, इसको मायोरी भी कहा जाता है। मिल्पा जाना जाता है, ये कहते हैं स्थानांतरण कृषि की लिए। ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने के कारण निम्न में से कौन सा है? तो ये है टेरा रोसा मिट्टी। ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन का प्रमुख कारण टेरोस मिट्टी है, या मिट्टी चूना प्रदान होती है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फॉर्म संकेंद्रित हैं? यह आंसर आपका हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स में। निम्नलिखित में से कौन विश्व की रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, ये होता है कनाडा यूएसए के नाम से। निम्नलिखित में देशों में किसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो ये भारत के पास में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है? तो ये हो जाएगा सघन भूमध्य रेखीय वन हो जाएगा। ब्राजील के कहवा की कृषि साओ पोलो, पराना, एस्पिरिटी, सेंटोस, मिसास जैसे राज्यों की जाती है। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं धूलभरी पवन खमसिन के नाम से जानते हैं। खम और गर्म एवं शुष्क धूलभरी हवाओं के स्थान जैसे खमसिन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनिसिया में, लेवेच स्पेन में, लेस्ट मेडेरा कनारी में कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो होते हैं ये खट्टे फल नींबू की खेती करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, मेवा शराब के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। गुड़खांड क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूले रंग की चाशनी होती है। थोड़ा बोल, थोड़ा कम बोल, थोड़ी देर कम बोलने, थोड़ी देर
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चयन करें। सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसे हम कुटीर जो है, कुटीर को हम बोलते हैं काशिकारी। लघु हो जाएगा ताला विनिर्माण उद्योग, बृहत हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन, और फुटलूज हो जाएगा सूचना औद्योगिकी। तो इस तरह से जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फिर भी एक और आपको मैच करना है। प्राथमिक जो क्रियाएं हैं और क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाओं जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्ल कल्चर। द्वितीय क्रियाओं में सूत कताई। तृतीय क्रियाओं में हो जाएगा आपका रेल सेवाएं, और चतुर्थ क्रिया में हो जाएगा आपका अनुसंधान प्रयोग। इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संसाधनों का विकास निम्न में किस कारक पर निर्भर करता है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट फिर आपको मैच करना है। 90 करोड़ हो जाएगा आपका मिट्टी, 90 करोड़ हो जाएगा आपका थोरियम, पुनर्चक्रिय जल, और एकल जो जाएगा वो क्रोल लाइट। इस तरह से आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ये की गई थी जेफरसन द्वारा। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। एक खारे पानी की झील। जेई स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉम्सन ने विश्व को प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 एवं 50। यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1992 में निम्नलिखित संगठनों में किसके रूप में हुआ। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है। बेलफास्ट जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर आयरलैंड का प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये आ जाएगा आपका बिंदु विधि। जलोढ़ मैदान में निम्नलिखित में से आदिवासियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयताकार प्रतिरूप। फिर से आपको एक मैच करना है। याकूत साइबेरिया, बद्दू सऊदी अरब, मसाई केन्या, लैप्स हो जाएगा आपका स्कैंडिनेविया। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गोंड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके मध्य भारत के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य भारत में उड़ीसा से लेकर गुजरात तक आदिम जनजाति का विस्तार पाया जाता है इस वाली का। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है। ये जो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सदस्य सूचकांक। वृद्ध की सीमाएं संकल्पना संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नव माल्थसवादी सिद्धांत से।
जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोच्च विधि है सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका बिंदु। कोरो प्लेथ मैप का उपयोग जनसंख्या को प्रदर्शित करने में किया जाता है। प्रत्यक्ष छायांकन से जनसंख्या की अवस्थिति प्राप्त की जाती है। आइसो प्लेथ समताप समदाब रेखा की तरह होता है जिससे प्रतिशत और अनुपात दिखाया जाता है। डॉट मैप को कोरोल प्लेथ का था आइसो प्लेथ में बदला जा सकता है किंतु क्लोरो प्लेथ तथा आइसो प्लेथ के बिंदु मानचित्र नहीं बन सकते। बिंदु मानचित्र द्वारा आई वन बिंदु पर निर्धारित संख्या आसानी से कहीं भी दर्शाया जा सकता है जैसे नदी घाटी पर्वती। तो सबसे जो बेहतर होता है वो आपका बन जाता है बिंदु के माध्यम से। निम्न कथन में से कौन सत्य है? सी टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के विभिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। कथन निम्न में से किन अवधारणाओं से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी संभववाद से। वैज्ञानिक नियतवाद के दर्शन से आगे बढ़ाया था। वैज्ञानिक नियतवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया था। ये बढ़ाया था ऑप्शन नंबर सी जी टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था और अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बतलाया। फिर से आपको यह मैच करना है। मजहबी ये पंजाब के अंदर, राजवंशी पश्चिम बंगाल, मंडिगा आंध्र प्रदेश और महार महाराष्ट्र में। इस तरह से जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया जे ब्रूंस ने। फिर से आपको यह मैच करना है। क्षेत्र वर्णन विवेचन संकल्पना बुद्ध संकल्पना ये दी थी आपकी रिच थोपेन ने। बुद्ध संकल्पना कार्ल रिमेंट संकल्पना स्पाइकमैन और जैविक रेड जेल। तो इस तरह से जो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे लगे हुए हैं। जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को इतिहास परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए हुआ था हेरोडोटस। निम्न में से किस भूगोल वेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉटसॉर्न। निम्न में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस संबंधित है? ये आपका हो जाएगा सर्वाहारी। पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर है ऊर्जा प्रवाह पोषक तत्वों एवं खनिजों के प्रसंस्करण के माध्यम से। पारिस्थितिक तंत्र के निम्न घटकों में कौन सा एक जैव और अजैव साम्राज्य के बीच मध्य का कार्य करता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वियोजक। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? उत्तरी प्रेरी प्रदेश में। वृक्षी प्राणी जात की बहुता अल्पचारागा मांसाहारी पशु जलीय जीवों का अत्यधिक विशेषता है वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन भाई मुझसे गलत हुआ हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।